अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS, CLS, MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे चैनल पर आप सभी के लिए काफ़ी कुछ है, एक बार प्ले लिस्ट जरूर विजिट करें। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आप सभी का कवर कराने वाला हूँ BLI 223 का। 221 का वीडियो जो है सारे कंप्लीट डाल चुके हैं, 222 का भी वीडियो डाल चुके हैं विद क्वेश्चन विद आंसर। तो वाले लेक्चर जो है आप प्लीज़ करके ज़रूर देखें। और इसी वीडियो के लिंक में मैं जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ जो है 5-6 to 7 ईयर का लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कलेक्ट करके उनमें से जो रिपीटेड क्वेश्चन है, यकीन मानिए वो सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपके जो है मतलब 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो 60 से अब भी आपके नंबर आएंगे, उससे कम कहीं नहीं आने वाले आपके। और ये जो मैं अभी कराने वाला हूँ ये तो आपके इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि इसमें आपको एक तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से आपको लिखना है, और ऊपर से आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी क्लियर हो जा रहे हैं जो आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे 500 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन एंड नोटेशनल प्लेन, डिस्कस द कॉम कैनन ऑफ आइडिया प्लेन गिविंग एग्जांपल। तो क्वेश्चन आप समझ गए कि आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये तीनों में नहीं आया तो दो में तो आएगा ही आएगा, तो ये क्वेश्चन तो आप ऐसे मान के चले ये तो आने ही वाला है। तो या तो आपको आइडियल प्लेन, वर्बल प्लेन में डिफरेंसेस पूछ सकता है, नोटेशनल या आइडियल में ऐसे करके पूछ सकता है, या फिर तीनों को भी आ सकता है। तो अगर आप ये पूरा मतलब क्वेश्चन जो मैं अभी आपका आंसर बताने वाला हूँ अगर अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपका यहाँ पे नंबर जो है 15 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन देना है। पहले तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं इसके बारे में, जैसे द पब्लिकेशन ऑफ हिज कॉलम क्लासिफिकेशन इन 1993, किसने दिया, रंगनाथन ने, स्टेटेड दैट थिंकिंग अबाउट द थ्योरी बिहाइंड इट दैट ले इन हिज अनकॉन्शियस माइंड। तो उन्होंने मतलब इस चीज़ का स्टार्ट किया था, आप इसको पढ़ लेना। इसमें क्या है कि जो फॉर्मुलेटेड 55 कैनन है, इसमें 22 प्रिंसिपल है एंड 13 पोस्टुलेट है एंड 10 डिवाइस है फॉर सिंथेटिक ऑफ क्लास नंबर हो गया एंड इवेल्युएशन ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसके अलावा यहाँ पे अब इसका डिफरेंशिएशन में आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं जिस तरीके से हमने लिखा हुआ है, जैसे कि एक बार आपने आइडियल प्लेन लिख दिया और एक में मतलब वर्बल प्लेन, एक में नोटेशनल प्लेन, और तीनों को कंटिन्यू करते गए दो तीन पेज जितना भी आप लिख सकते हैं। या तो फिर आप आइडियल का हेडिंग डाल के हुआ आइडियल के सारे पॉइंट वहाँ पे डाल दें, फिर नोटेशनल का डाल दें, उस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट ये थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। आइडियल प्लेन इज़ अ प्लेन फॉर फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये फॉरमोस्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्लेन है, वेयर कोर इंटेलेक्चुअल वर्क इज़ डन, जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो होता है होता है। वर्बल प्लेन क्या होता है, इन दिस फेज ऑफ क्लासिफिकेशन वर्क वी गिव स्टैंडर्डाइज्ड नेम टू द कॉन्सेप्ट, यहाँ पे अब कुछ स्टैंडर्डाइज नेम दिया जाता है कॉन्सेप्ट को, टू द कॉन्सेप्ट अरेंज्ड इन एरे, वो एक मतलब एक सीक्वेंस में अरेंज होता है उसको नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं यहाँ पे वर्बल प्लेन। अब नोटेशनल प्लेन क्या होता है, द लास्ट प्लेन ऑफ वर्क इज़ डिज़ाइनिंग अ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इसका काम क्या होता है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को डिज़ाइन करना सिस्टम को, येट इट इज़ द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, ये सबसे विजिबल प्रोडक्ट है, मतलब फाइनेस्ट फेज है प्रोडक्ट का। उसके अलावा मोस्टली द वर्क हेयर परटेन टू द चॉइस ऑफ मॉडल्स हो गया, मतलब कि किस तरीके का आप मॉडल चूज़ करते हैं उसके ऊपर मतलब ज़्यादातर इसका वर्क जो होता है वो बेस्ड होता है। डिफाइनिंग द सब्जेक्ट्स हो गया, या फिर इट्स स्कोप, सोर्स हो गया या कॉन्सेप्ट हो गया। फिर दूसरा की बात करें तो इन दिस फेज वी ड्रेस द एरे को हम ड्रेस करते हैं आइडिया में इन प्रॉपर एंड विजिबल गारमेंट्स ऑफ लैंग्वेज, जहाँ पे अच्छा सा यहाँ पे लैंग्वेज यूज़ होता है टू मेक देम
स्टैंडर्ड टर्म टू हैंडल, ताकि उसको अच्छे से हम लोग स्टैंडर्ड टर्म में हैंडल कर सके। इन फैक्ट नोटेशन इज़ अ सर्विस ऑफ सिंबल्स, ये एक तरह से सिंबल की सर्विसेज है और कोड की सर्विसेज है, जो रिप्रेजेंट क्या करता है, सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है, कॉन्सेप्ट को, नेम्स को, आइडिया को, वर्ब को, प्लेन को रिस्पेक्टिवली। उसके अलावा कोर क्लासिफिकेटरी वर्क इज़ द चॉइस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, कोर इसका मतलब क्लासिफिकेशन वर्क क्या होता है, चॉइस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हो गया, एंड ऑर्डर ऑफ देयर एप्लीकेशन। उसके अलावा इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज आइडिया नीड सम मीडियम फॉर एक्सप्रेशन, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि, क्योंकि आइडिया जो होती है उसको एक मतलब मीडियम चाहिए होता है एक्सप्रेशन के लिए या कम्युनिकेशन के लिए। इट इज़ द प्लेन विच फेथफुली इम्प्लीमेंट द फाइंडिंग और डिस्कशन, ये एक तरह से फाइंडिंग और डिस्कशन को मतलब फेथफुली एक्सप्लेन के लिए करने के लिए होता है। तो इतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आप अपनी तरफ से भी देख सकते हैं, ये वीडियो को पॉज करके, बहुत लंबा हो जाएगा सारा एक्सप्लेन करने लगेंगे तो। यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको क्या लिखना है, बाकी आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं कुछ कुछ। अब देखिए, द कैनन ऑफ आइडिया प्लेन क्या होता है, डिफ्रेंशिएट क्या करता है, मीन्स डैट द कैरेक्टरिस्टिक डैट वी क्लोज शुड बी एबल टू डिवाइड द ग्रुप इन टू एट लीस्ट टू सब ग्रुप, दो सब ग्रुप में डिवाइड कर दो, ओके। उसके अलावा कैनन ऑफ डिफ्रेंशिएशन एग्जाम्पल, जैसे बाईसाइकिल हो गया, कैनॉट बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, बाईसाइकिल को हम नंबर के बेसिस पे डिवाइड नहीं कर सकते, नंबर ऑफ व्हील्स के बेसिस पे, एज ऑल ऑफ देम हैव टू व्हील्स, हर किसी का दो व्हील ही होता है। कैनन फॉर यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, अ ग्रुप ऑफ लिविंग पीपल कैनॉट बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीवियस बर्थ, ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं लिविंग पीपल, प्रीवियस बर्थ के बेसिस पे हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, और द डेट ऑफ देयर डेथ या फिर कितने कब वो मरे थे, इनके बेसिस पे भी हम नहीं कर सकते। तो इसका अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं इनको। जैसे सिमिलरली अ क्लास ऑफ रेसलर्स और बॉक्सर्स कैन बी डिवाइडेड बाई एज या वेट हो गया, बट कैनॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, मदर टंग या स्किन कलर, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे हम नहीं उनको डिवाइड करते, मतलब जिस फील्ड से वो रिलेटेड है उसी फील्ड से रिलेटेड हम उनको डिवीज़न करते हैं। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, द थ्री सक्सेसफुल फेज ऑफ द वर्क टू बी डिवाइडेड, द वर्क ऑफ क्लासिफिकेशन इन देयर डिस्टिंक्ट सेक्टर हो गया, कॉल आइडियल प्लेन, वर्बल प्लेन एंड नोटेशनल प्लेन। और भी अपनी तरफ से ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, इन कंक्लूजन टू अबव क्वेश्चन, तो आप उसके साथ में फिर आप कंक्लूजन लिख सकते हैं इसका। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट इज CCF, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट क्या होता है, और डिस्कस करना है स्ट्रक्चर फॉर CCF रिकॉर्ड। तो यहाँ पे CCF की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग में ना तो शॉर्ट में तो आ ही जाएगा। CCF के रिगार्डिंग is a format for the exchange of bibliographic record, ये एक format है जिसमें bibliographic record को हम exchange करते हैं। It provides rules to achieve consistency, ये एक मतलब provide करता है rule जिससे consistency मतलब maintain होती है, uniformity यहाँ पर maintain होती है, and capability between more than one जो यहाँ पे कंप्यूटर होता है सिस्टम उसके बीच में। ऑल रूल्स एंड फॉर्मेट्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू अचीव द कंसिस्टेंसी, हर जो रूल और यहाँ पे फॉर्मेट होता है ये इसलिए होता है ताकि कंसिस्टेंसी को यहाँ पे अचीव कर सके, यूनिफॉर्मिटी को अचीव कर सके। मेन बॉडी की बात करें तो CCF इज़ द स्ट्रक्चर फॉर्मेट, एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट है for the creating bibliographic record and for exchanging record between group of information agency, दो group of information agency या library के बीच में information को या bibliography को यहाँ पर record को exchange करने के लिए ज़्यादातर use किया जाता है। The rapid growth of international bibliographic exchange format हो गया, including ISO well known format, जो है सबसे मतलब well known format की बात करें तो वो है
फॉर बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के रिगार्डिंग। CCF इज स्पेसिफिकली डिज़ाइन, वो स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है, फॉर रिट्रीवल एंड आउटपुट विद इन एन इंस्टीट्यूशन। रिट्रीवल हो गया या आउटपुट हो गया, किसी भी मतलब सोर्स से एक चीज़ों को रिट्रीव करना या आउटपुट उनको देना, उसके लिए ज़्यादातर ये डिज़ाइन किया गया था। इट इज़ नीदर इंक्लूड इट्स ओन कैटलॉगिंग, ये अपना कैटलॉगिंग तो नहीं मतलब रखता है रूल, नॉर यहाँ पे रिकमेंडेड एनी पर्टिकुलर यहाँ पे कैटलॉग, या नहीं तो या अपनी तरफ से कोई मतलब रिकमेंड भी नहीं करता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे CCF के स्ट्रक्चर की बात करें तो द रिकॉर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट कंप्राइज अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जिसमें यहाँ पे मेजर यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाते हैं। CCF रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर पार्ट्स। पहले आता है रिकॉर्ड लेबल, रिकॉर्ड लेवल में यहाँ पे देखिए फिक्स लेंथ लेवल होता है, 24 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं यहाँ पे, कैरेक्टर होता है टू प्रोवाइड प्री पैरामीटर टू प्रोसेस रिकॉर्ड। ईच डेटा एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स रियलाइज कैरेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पे ये वाला आप देख लेना। फिर आता है डायरेक्टरी, द डायरेक्टरी इज अ टेबल, एक तरह से टेबल है जो कंटेन क्या करता है, वेरिएबल नंबर इसमें कंटेन होता है ऑफ 14 कैरेक्टरिस्टिक। द टेबल इज टर्मिनेटेड बाय द फील्ड सेपरेट कैरेक्टर के बेसिस पे हो गया, डेटा फील्ड के बेसिस पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे आता है थर्ड जो है यहाँ पे डेटा फील्ड आ गया। इसकी बात करें तो यहाँ पे इंडिकेटर्स होते हैं, सब फील्ड होता है ये, आप इसको भी आप यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं। लास्ट में आपको कंक्लूजन में क्या लिखना है, CCF इज़ डिवाइडेड बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द मेजर एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल एक्सचेंज फॉर्मेट। तो ये मतलब ध्यान में रख के ये CCF जो है डिवाइड किया गया है इनटू कंसीडरिंग मेजर जो एग्जिस्टेंस इंटरनेशनल एक्सचेंज है उसको ध्यान में रख के, टू द यूज़र फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को ट्रांसफ़र करना बिटवीन द एक्सचेंज फॉर्मेट हो गया। इट डज़ नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्कुलेशन सिस्टम, ये कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है सर्कुलेशन सिस्टम से रिलेटेड। तो आप इसको लिख सकते हो या फिर आप अपनी तरफ से ही कंक्लूजन जो है वो फॉर्म करके लिख सकते हो। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है डिफाइन कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग, कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग से आप क्या समझते हैं, और एक्सप्लेन करना है मेथड ऑफ कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क लगा लें इस पे। इसमें इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, इन द डिजिटल नेटवर्क एरा इंफॉर्मेशन सोर्स आर ग्रोइंग एट एन एक्स्ट्रोबिटेंट रेट, मतलब कि आजकल की दुनिया की बात करें तो इंफॉर्मेशन जो है एक रैपिड फेज पे ग्रोथ हो रहा है। एंड द कंसिडरेबल एक्सेसिबल थ्रू वेरियस चैनल, और बहुत ही चैनल के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी के यहाँ पे बात की गई है, बाकी हम मेन बॉडी में देखते हैं, आप और भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं उसमें। कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर बाय अ कंप्यूटर इज यूज टू प्रोसेस अ नेचुरल लैंग्वेज, एक कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है ताकि नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस किया जा सके। लैंग्वेज टेक्स्ट हो गया डैट इज़ ऑलरेडी इन मशीन रीडेबल फॉर्मेट में होता है, सो डैट इंडेक्सिंग जो टर्म्स है आर एलोकेटेड टू इट्स कंटेंट विदाउट जो डायरेक्ट ह्यूमन इंटरवेंशन यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ही कर लेता है कंप्यूटर सिस्टम, मशीन जो है वो खुद ही अपना काम कर लेते हैं। कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग सिस्टम वुड बी वन विद इन इंडेक्सिंग इज कंडक्टेड बाय कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। एंड इंटरनली जनरेटेड जो थेजरीज होती है, थेजरीज मतलब बहुत सारी तरीके के वर्ड इसमें आपको देखने को मिल जाता है। कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग जो होता है इज़ वन डैट हैज़ द एबिलिटी टू क्रिएट एंड मॉडिफाई न्यू सब्जेक्ट, उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो मतलब न्यू सब्जेक्ट को क्रिएट कर सके और मॉडिफाई कर सके मैकेनिकली बाय मिनिमाइजिंग और विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स की बात करें तो। मेथड ऑफ कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग की बात करें, द फर्स्ट स्टेप इन इंडेक्सिंग
बोथ मैनुअल और कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग, दो तरीके हो सकते हैं, मैनुअल और कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग इज़ टू डिसाइड ऑन द सब्जेक्ट मैटर हो गया ऑफ द डॉक्यूमेंट। कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग फॉलो अ सेट ऑफ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, फ्रेगरेंसेस हो गया ऑफ द वर्ड पैटर्न हो गया। सेकेंड स्टेज ऑफ इंडेक्सिंग इन्वॉल्व द ट्रांसलेशन ऑफ द सब्जेक्ट एनालिसिस इन टू अ सेट ऑफ इंडेक्स टर्म हो गया। दिस कैन इन्वॉल्व एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द डॉक्यूमेंट और असाइनिंग फ्रॉम अ कंट्रोल वोकैबलरी। स्टैटिस्टिकल मेथड की बात करें तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेथड इन्वॉल्व टेकिंग वर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द डॉक्यूमेंट से डायरेक्टली वो वर्ड को जो है वो ले लेता है कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग में। इट यूजेस नेचुरल लैंग्वेज यूज़ करता है एंड लैंड इटसेल्फ वेल एन ऑटोमेटेड टेक्निक, और एक ऑटोमेटेड टेक्निक वहाँ पर डेवलप होती है जिससे कैलकुलेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो खुद ही हो जाती है। उसके अलावा टर्म फ्रीक्वेंसी मेथड की बात करें, इट इन दिस मेथड टर्म्स टू बी इंडेक्स्ड आर दोज एक्वायरिंग ईदर वेरी फ्रीक्वेंटली या बहुत जल्दी जल्दी एक्वायर करता है इन टेक्स, और वेरी सेल्डम या कभी कभी वो मतलब टेक्स को एक्वायर करता है वंस या ट्वाइस, एक बार या दो बार। रिलेटिव फ्रेगरेंस मेथड की बात करें तो ये टर्म क्या करता है, अकरेंस फ्रीक्वेंट इनफ्रीक्वेंटली हो गया, मे बी हाईलाइट द सिग्निफिकेंट जो फॉर्मेट होता है, फॉर एग्जांपल अ न्यू ड्रग हो गया, मे बी मेंशन, कोई नया ड्रग्स आ गया उसको मेंशन कर दिया उसने। उसके बाद है लिंग्विस्टिक मेथड, अ क्वाइट अ डिफरेंट अप्रोचेस टू कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग इज बाई सिंटैक्टिक एंड सिमेंटिक एनालिसिस हो गया, सिमेंटिक एनालिसिस हो गया, सिंटैक्टिक हो गया ऑफ टेक्स्ट। द सिंटैक्टिकल एनालिसिस जो है वो आइडेंटिफाई करता है द ग्रामेटिकल रोल एंड द रिलेशन अमंग द वर्ल्ड, ग्रामेटिकल रोल हो गया या रिलेशन हो गया अमंग वर्ल्ड में, इसके बारे में ये बताता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया इज़ बेस्ड ऑन दीज टू मेथड, दो मेथड पे बेस होता है, लिंग्विस्टिक ऑन्टोलॉजी हो गया या फिर यहाँ पे NLP जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है इन द एनालिसिस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज, या फिर आर्टिफिशियल लैंग्वेज भी आपने सुना होगा, AI टेक्नोलॉजी बहुत आजकल फेमस हो गई है बेस्ड इंडेक्सिंग सिस्टम, जिसमें आपको मतलब कि जो रोबोट वगैरह जो बनते हैं वो उसी लैंग्वेज पे बनते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यहाँ पे बेस्ड क्या होता है, इंडेक्सिंग सिस्टम हो गया। द बेसिक आइडिया इज़ टू प्रोसेस द टेक्स्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू जनरेट इन इंडेक्सिंग टर्म्स, यहाँ पे बेसिक जो टेक्स्ट होता है वही यहाँ पे मतलब डॉक्यूमेंट के द्वारा ट्रांसफ़र होता है। मेथड्स फोकसिंग ऑन द लेक्सिकल लेवल हो गया। एक्सपर्ट सिस्टम बेस्ड की बात करें, इंडेक्सिंग सिस्टम की बात करें तो एक्सपर्ट सिस्टम वर बीइंग यूज्ड इन इंफॉर्मेशन रिलेटिव रिसर्च की बात करें, इन एन अटेम्प्ट टू रिप्लेस व्हाट इज़ एक्चुअली रेफर्ड टू एज द एक्सपर्ट इंडेक्सिंग। तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये पढ़ लिया कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग और उन सारी चीज़ के टर्म्स वगैरह भी हमने डिस्कस कर लिए। बाकी आप यहाँ पे कंक्लूजन में लिख सकते हैं, इन कंक्लूजन टू अबव क्वेश्चन या अबव डिस्कशन द कंक्लूजन इज़ द डिज़ाइन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग सिस्टम मेनली डिपेंड ऑन द मेथड यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग रिकॉर्ड इन द फाइल, या फिर द कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग इज़ अ मेथड ऑफ इंडेक्सिंग इन विच एल्गोरिदम जो होता है वो अप्लाई किया जाता है, कंप्यूटराइज टाइटल हो गया या टेक्स्ट हो गया, वर्क हो गया, इन सब चीज़ों में। तो आई होप यहाँ तक आपको अभी तक समझ में आया होगा। ये तीन क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में और फर्दर हम क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें और भी कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आशा करते हैं अभी तक आपको जो भी हमने समझाया है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।